मुझे कैमरा इधर लाने पड़े क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हो, आप लोग हंस रहे हो, आपको सच्चाई दिखाई दे रही है। अब मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो उनका बेसिक फाउंडेशन है उसमें यह सवाल कैसे उठ रहा है। यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है और यहां पीएसी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी, पीएसी कमेटी में किसी को नहीं दिखी, मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई। मुझे 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 समझ नहीं आ रही बात। आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर लाफिंग बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज देखिए जब आप झूठ बोलते हैं भाई और बहनों, जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें और पीएसी के जो चेयरमैन है खड़गे जी उनको भी दिखा दें, या शायद कोई और पीएसी चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएसी बैठा रखी है पीएमओ में, मैं नहीं जानता हूं क्योंकि फ्रेंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दी है, धजियां हो रही है, मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, दूसरी तरफ चार चीफ जस्टिस निकलते हैं, मतलब सबकी धजियां उड़ा दी हैं और आप हंस रहे हो, ये बड़ी सीरियस बात है, हंसने की बात नहीं है। यहां पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और किसानों याद रखिए छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है, ये जो पैसा लिया है चोरों ने ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है। पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है। बोलिए जितना बोलना है, यह सच्चाई है और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पर इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफाल मामले पे इंक्वायरी हो गई और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी, अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी। थैंक यू।